शैलेश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, आज ये बवाल क्यों हुआ? कल तक जो स्थिति बन रही थी, आज हंगामा किस बात को लेकर हो गया? देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं, यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। इस समय लुलु मॉल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जो ये माहौल बिगड़ा है उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो एक बार हम आपको दिखाते हैं। गेट जरूर खोल दिए गए लेकिन पुलिस फोर्स जो है बड़ी संख्या में तैनात है, मॉल के बाहर भी और मॉल के अंदर भी। ज़्यादातर हम आपको बताएं कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो ने मॉल के अंदर फिलहाल रखा गया है। ये देखिए मॉल का एंट्रेंस का जो गेट है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पुलिसकर्मी हैं फिलहाल। कुछ अभी अधिकारी आए थे, पुलिस के ऑफिशियल जो मॉल प्रबंधन के लोगों से मिलने के लिए अंदर गए तो उनके साथ सिक्योरिटी गई। ये देखिए सामने की तरफ आप देखेंगे, इधर आप दूसरे गेट पे पुलिसकर्मी आपको नजर आएंगे। यहाँ पर कैमरा सहयोगी राजू तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए, और जितने भी गेट हैं वहाँ पर आपको ऐसी ही तस्वीर इस समय देश दिखेगी। मॉल के बाहर देखिए अंदर से एक इंस्पेक्टर साहब जो है वो भी नज़र आ रहे हैं हमें दूर तस्वीर। अब हम बात करते हैं, देखिए इस मुद्दे पर अगर आप बात करें तो देखिए, जब एक वीडियो वायरल हुआ मॉल के अंदर नमाज पढ़ने का, उसके बाद में सबसे पहले जो अखिल भारत हिंदू महासभा है उसने ऐलान किया कि अगर यहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी तो हम लोग यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ भी करेंगे, हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे और उसी जगह पढ़ेंगे जहाँ पर नमाज पढ़ी गई है। इसके बाद में दो दिन पहले जो हिंदू महासभा के लोग थे वो इस मॉल पर पहुँचे लेकिन उनके आते ही गेट बंद कर दिए गए, काफ़ी यहाँ पर प्रदर्शन उन्होंने किया और उसके बाद यहाँ से लौट गए। कल की तारीख में यानी एक दिन पहले हम चलते हैं, यहाँ जो मॉल प्रबंधन के लोग हैं वो यहाँ के जो GM है, पुलिस के अधिकारी, ये सब लोग पहुँचे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के घर और उनसे कहा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है मॉल के अंदर। बिल्कुल संभालने की स्थिति बनी लेकिन संभाल के रह जाए मामला, ये समझना जरूरी है। हमारे साथ कंप्यूटर बाबा जुड़े। कंप्यूटर बाबा, ये बताइए कि महाराज जी जो तस्वीरें बन रही है, कल प्रशासन ने कहा कि ये एक माहौल बिगाड़ने की साजिश थी लेकिन आज वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की गई, पुलिस ने रोका, चारबाग रेलवे स्टेशन पर भी जाकर किसी ने नमाज पढ़ दिया, ये जो पूरे हालात बन रहे हैं आपको क्या लगता है, ये बन गए वक्त के चलते या कोई बना रहा है साजिशन इसको? देखिएगा, ऐसा हमें लगता है कि दो प्रकार की बात हो रही है जी। इस सरकार को भी चाहिए कि लुलु मॉल में जो लखनऊ में नमाज पढ़ी जा रही है तो हिंदुओं के लिए हनुमान चालीसा क्यों नहीं, सुंदरकांड क्यों नहीं? सरकार को चाहिए कि फिर जब हनुमान चालीसा पढ़वाएं, यदि आप नमाज पढ़वाने के अधिकृत हैं, आप पढ़ा रहे हैं उनको, तो हमारा भी चाहे तो हमारे हिंदू के लोग, हमारे सनातन धर्म के लोग नमाज, ये जहां नमाज पढ़ी जाए वहां उस जगह पर नमाज, मंदिर है क्या वहां, मस्जिद है कोई नमाज की पढ़ने की क्या वहां? जब लुलु मॉल है तो सरकार को भी चाहिए कि वहां व्यवस्था हमारी करे, हमारी हिंदुओं की सनातन धर्म की व्यवस्था करे, हनुमान चालीसा पढ़ा जाए। केवल नमाज पढ़ी जाए ये तो गलत बात है, ये तो तरीका गलत है जी। सनातन धर्म कैसे पसंद करेगा, इसको कैसे सहन करेगा? मैं कहना चाहता हूँ कि आज बिल्कुल ठीक वो जा रहे हैं, जब नमाज पढ़ी जा सकती है तो हनुमान चालीसा पढ़ा जा सकता है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे हिंदू भक्तों को, धर्म योद्धाओं को, कि वहां जाके कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ने का साहस तो बढ़ाए हुए हैं जी। लेकिन ठीक नहीं है। लेकिन महाराज जी, सवाल ये उठता है कि अगर ये जिद दोनों तरफ से आ गई कि वो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ेंगे, आप कहेंगे कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सांप्रदायिक माहौल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा किसी नहीं, को नहीं, देखिए नहीं नहीं, ये तो ये सरकार को चाहिए, ये सरकार को सोचना, हमें नहीं जी। नमाज पहले वहां हनुमान चालीसा, लुलु मॉल में हनुमान चालीसा नहीं हो रहा था, लुलु मॉल में जो लखनऊ में जो है वो नमाज पढ़ी जा रही थी, तो वो क्या मस्जिद है? जब मस्जिद नहीं है तो नमाज क्यों पढ़ी जा रही? अगर नमाज पढ़ी जा सकती है लुलु मॉल में तो हम हनुमान चालीसा क्यों हमारे सनातन धर्म के लोग नहीं पढ़ सकते हैं, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, समी आगाई जी, ये जो पूरी स्थिति बन रही इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूं कि विगत 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लुलु मॉल का उद्घाटन किया जी, और उससे एक आशा की किरण ये उम्मीद बनी कि उत्तर प्रदेश में अब निवेश का जो है कार्यक्रम आगे और बढ़ेगा। लुलु मॉल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा, जिस तरह की उत्तर प्रदेश में स्थितियां हैं और पूरे देश में बेरोजगारी का जो हाल है उसके मद्देनज़र ये बहुत आवश्यक था कि कोई इस तरीके की गतिविधियां हमारे उत्तर प्रदेश में लागू हों। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विगत दिनों वहाँ कुछ लोगों ने वहाँ नमाज अदा की जिसका प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है और प्रबंधन ने उसके खिलाफ बाकायदा थाने में जाके कंप्लेंट करी है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है नमाज अदा करी है जी। क्योंकि वो सार्वजनिक स्थान है और वो किसी के लिए धार्मिक स्थान नहीं है, इसलिए वहाँ इस तरह की गतिविधियाँ प्रारंभ नहीं की जा सकती हैं।
लेकिन परंतु खेत का विषय यह है कि विगत दो तीन दिन से लगातार हिंदू संगठन विशेषकर हिंदू महासभा के लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि वहां पर जब नमाज अदा की गई है तो हम हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, जबकि प्रबंधन ने खुले तौर पर इस बात को कहा है कि ये कोई यहाँ धार्मिक गतिविधियों का स्थान नहीं है और यहाँ लोग अपने बच्चों के साथ अपने परिवारजनों के साथ या अपना जो भी उनको आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनको संचालित करने के लिए वो वहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल, कंप्यूटर बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं, कंप्यूटर बाबा आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या सभी जी की बात पर? मैं कह रहा हूँ नमाज पढ़ने का किसने अधिकार दिया, नमाज क्यों पढ़ी गई? अवधेश जी मेरी बात नहीं, हमारे प्रश्न का उत्तर दिया जाए, नमाज क्यों पढ़ी गई वहाँ? सभी अगाई जी देखिए ऐसा है पायलट बाबा जी, अगर किसी ने मां नमाज पढ़ी है तो प्रबंधन ने उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने को रिपोर्ट लिखी है। क्यों पढ़ी गई, किस स्थिति में पढ़ी गई, किसने पढ़ी, ये जांच का विषय है, पुलिस को जांच करने दीजिए। आपने एक कोहराम से मचा के रख दिया है कि साहब नमाज क्यों पढ़ी गई, किसने, क्या प्रबंधन ने कोई ऐसी व्यवस्था करी थी कि वहाँ नमाज अदा की जाए? आप इस पर विचार करिए, आप इस पर विचार न करके सिर्फ आप धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि मामला दर्ज हो गया, आप लोग धार्मिक उन्माद कर रहे हैं। के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश देखिएगा, हम लोग अब जब हम अपनी बात को उठा रहे हैं तब बोला ना इन्हें, तब व्यवस्था, तब थाने पे रिपोर्ट लिखाई इन्होंने, नाम मामला दर्ज कराया ना, तब कराया ना, अभी कहां बैठे रहे? प्रबंधन की ड्यूटी रही, सरकार की ड्यूटी रही, प्रशासन की ड्यूटी रही, प्रशासन क्या करता रहा, प्रशासन क्या करता रहा, तो प्रबंधन क्या करता रहा? अब जब हम नमाज के बदले में श्रीमान हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आए तभी अपनी बात उठाने लगे, तो धार्मिक उन्माद कौन फैला रहा है? अरे पायलट बाबा जी, आपका सबसे आपको अगर ये कुछ करना भी है तो लोकतंत्र हमारा मूल, इनसे पूछा जाए, इनसे पूछा जाए नमाज क्यों पढ़ी गई। आप इस तरह की बातें करके प्रदेश में जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, या आप अनुचित कर रहे हैं। आपके पास लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध करना है तो आप अपने कप्तान साहब से, जिलाधिकारी से आप जाकर उनसे विरोध जताइए। आप माल पर पहुंच कर वहां इस तरह की गतिविधियां करेंगे जिससे के लोगों में, आप पूछिए ना लुलू माल में नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? लुलू प्रबंधन ने क्या इजाजत दी थी क्या? अरे क्या लुलू प्रबंधन ने व्यवस्था करी थी नमाज के लिए? आप ये बताइए, आप अपनी बातें कर रहे हैं तो आप ये बताइए क्या लुलू प्रबंधन ने नमाज पढ़ने की व्यवस्था करी थी? आप ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। अरे तो सनातन धर्म का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन सभी की आस्था का भी सम्मान करना सीखिए। सिर्फ एक ही बात को लेकर मत पकड़ लीजिए, क्या लुलू प्रबंधन ने नमाज की व्यवस्था करी थी वहां पर? अरे भैया धार्मिक स्थान है, आपके पास मंदिर है, मस्जिद है, वहां जाके अपने धार्मिक आयोजन करिए, आप वहां पर ही जाके क्यों करेंगे? मस्जिद रही है क्या उनके पास नमाज पढ़ने के लिए? अरे हम तो कह रहे हैं ना, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।